लो सफर शुरू हो गया मेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों की संडे आज बड़े अच्छे से मन रही होगी। सो थोड़ा चलिए संडे को हम ज्ञान का प्रकाश डालते हैं अपने 23 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स के माध्यम से। सो आज जो है हम नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय खेल जगत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे और उनसे जुड़े हुए हम जीके भी देखेंगे। सो दोस्तों, आज के हम सेशन में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस पे जो है 30 मिनट हम लगभग देंगे। और प्लस जो है, यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जो है हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हमारा जो है टाइम 6 बजे का है। आज थोड़ा संडे के होने के कारण डिले हो गया है, सो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज के करंट अफेयर सेशन की। शुरुआत का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि कल से है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने कल पूछा था कल के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज टॉल्स्टॉय फार्म लोकेटेड। तो जी हाँ, काफी लोगों ने इसका सबने सही उत्तर दिया। तो ये आपका जोहान्सबर्ग में है टॉल्स्टॉय फार्म। तो जो टॉल्स्टॉय फार्म जो है, इसको जो है महात्मा गांधी ने जो है जब वहाँ पे थे तब स्थापित किया था एज अ लैब फॉर हिज टेस्ट ऑफ नॉन वायलेंस मीन, यानी कि जो अहिंसा के जो मीन्स थे उनको प्रयोग में लाने के लिए ये एक लैब जो है टॉल्स्टॉय फार्म, इसको जो है गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में स्थापित किया था। प्लस जो है, लियो टॉल्स्टॉय जो थे ये बहुत फेमस ऑथर भी हैं और जिनसे गांधी जी जो हैं काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, सो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। सो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को, गांधी जी को जो है महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है, सो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, विथ विच कंट्री इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ऑफ हाइफा डे ऑन सितंबर 23। सो 23 सितंबर को भारत किस देश के साथ हाइफा दिवस की शताब्दी मना रहा है। सो मैंने हाइफा दिवस के बारे में अपने पहले भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को जो है आंसर सही से मतलब कि पता लग गया होगा। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है इसराइल। सो इसराइल के साथ जो है भारत मिलकर आज जो है यानी सितंबर 23 को हाइफा दिवस का शताब्दी मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 1918 में जो है भारत के ओर से, भारत की जो कैवलरी रेजिमेंट थी तो उसके 3 यानी कि हैदराबाद लांसर्स, मैसूर लांसर्स और आपका जोधपुर लांसर्स, ये देखिए मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स, ये जो थे 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड के थे। कहाँ के थे? 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड के ये नौजवान थे। तो इन्होंने जो है हाइफा सिटी को जो है टर्किश और जर्मन की फोर्सेस से जो है लिबरेट कराया था। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि ये जो सोल्जर्स थे भारत की ओर से, ये सारे के सारे जो हैं ये लोग तलवार से लड़े थे, इनके पास गन वन नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेवरी का जो है एग्जाम्पल है। और इसी ब्रेवरी को सैल्यूट करने के लिए भारत में जो है यानी नई दिल्ली में 3 मूर्ति चौक बना है। ये आपका जो है 3 मूर्ति चौक, आप जब जो है
जाएंगे धौला कुआ की तरफ से राष्ट्रपति भवन के रास्ते से अकबर मार्ग से होते हुए, तो वहां पे आपको ये तीन मूर्ति चौक जो है दिखाई देगा। तो ये तीन मूर्ति चौक जो है मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स और जोधपुर लांसर्स को जो है इंडिकेट करता है। प्लस जो सिटी ऑफ हाइफा है हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ बैटल ऑफ हाइफा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर में कि जो बैटल ऑफ हाइफा जो है इंडिया इसराइल तो मना ही रहा है, लेकिन जो है ये और कहां कहां पे इसको कमेमोरेट किया जा रहा है। तो इसराइल तो है ही आपका, फिर आपका दिल्ली है और दूसरा जो है वो है जयपुर। तो दिल्ली, जयपुर और इसराइल में ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है 6 फरवरी 2018 को इजरायली पोस्ट ने बैटल ऑफ हाइफा के एवज में एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प निकाला था, और ये जो है इसके अलावा एक फर्स्ट डे कवर भी निकाला था इजरायल पोस्ट ने। और ये जो स्टैम्प है ये डिज़ाइन किया है रॉनन गोल्डबर्ग ने, जिसमें जो है इस स्टैम्प में आपको जो है इंडियन कैवलरी जो है हाइफा के स्ट्रीट में मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फोटो लिया गया है ये इम्पीरियल वॉर म्यूजियम से लिया गया है। कहाँ से? इम्पीरियल वॉर म्यूजियम से, ठीक है। तो आइए आप जरा हाइफा को देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो है ये इसराइल है पूरा, ठीक है, ये आपका इसराइल है। तो इसराइल में ये देखिए हाइफा कहाँ है, ये आपका हाइफा है, एकदम मेडिटेरियन कोस्ट पे है और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, ये आपका हाइफा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली अग्रीड टू यूज सैटेलाइट इमेजेस इन बाउंड्री सर्वे वर्क। तो किस देश के साथ भारत ने हाल ही में सीमा सर्वेक्षण कार्य में उपग्रह छवियों का उपयोग करने पर जो है सहमत हुए हैं? तो ये जो है भारत नेपाल के साथ जो है इस चीज पे सहमत हुआ है, यानी भारत और नेपाल जो हैं अब जो है बाउंड्री सर्वे वर्क के लिए सैटेलाइट इमेजेस यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो है सितंबर 22 2018 को भारत और नेपाल इस चीज पे एग्री हुए, और ये एग्री कब हुए? जब भारत और नेपाल के बीच में पांचवी बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? काठमांडू में। ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है कि पांचवी भारत नेपाल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है कहां संपन्न हुई? तो आपकी काठमांडू में संपन्न हुई। इसके अलावा जो है जो नो मैंस लैंड पे जो इंक्रोचमेंट है और जो क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन है उस पे भी जो है दोनों ने ये सहमति जताई कि इन एरियाज का भी जो है मैपिंग होना चाहिए। और इसके अलावा जो है, आइए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि जो फोर्थ मीटिंग थी बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की जो भारत और नेपाल के बीच में थी हुई थी, ये जो है पिछले साल देहरादून में हुई थी। कहाँ हुई थी? देहरादून में। और ये जो बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है ये बनाई गई थी 2014 में भारत और नेपाल द्वारा, और इनका काम क्या था कि जो कंस्ट्रक्शन है, रेस्टोरेशन है और जो बाउंड्री पिलर्स हैं उनको रेस्टोर करना और नो मैंस लैंड को जो है क्लियर करना, ठीक है। तो ये इस बॉडी का जो है ये काम है, ठीक है। तो कब आई थी बीडब्ल्यूजी? 2014 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री वैटिकन रिसेंटली अनाउंस हिस्टोरिकल डील ऑन बिशप्स। So, किस देश के साथ वैटिकन ने हाल ही में बिशप पर ऐतिहासिक डील की घोषणा की? और ये सच में ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसी डील की घोषणा की है किस देश के साथ? वैटिकन सिटी ने, चाइना ने। क्योंकि अब तक होता क्या था कि चाइना और वैटिकन सिटी, वैटिकन हमें पता है कि रोमन कैथोलिक्स का जो है गढ़ है, और यहाँ पे पोप फ्रांसिस जो है, यहाँ पे उनका सीट है पोप फ्रांसिस का, ठीक है। तो होता क्या था कि चाइना में जो बिशप्स अपॉइंट होते थे वो क्या है कि दो बिशप्स अपॉइंट होते थे, एक तो चाइना अपॉइंट करता था और दूसरा जो है वैटिकन से अपॉइंट होते थे। लेकिन जो वैटिकन सिटी से बिशप्स अपॉइंट होते थे उनको जो है चाइना मान्यता नहीं देता था, और इसी चीज को लेकर वैटिकन और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना में हमें पता है कि कम्युनिस्ट रिजीम है। क्या है चाइना में? चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम है। तो जहाँ पे रिलीजन को जो है इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, ये चाइना में है। सो इसको जो है लेकर काफ़ी तनातनी थी। लेकिन अभी जो है, यानी कि सितंबर 22 2018 को इस पे जो है चाइना और वैटिकन सिटी में क्या है, एग्रीमेंट हो गया। और इस एग्रीमेंट के तहत ये है
कि पोप फ्रांसिस जो हैं ये बीजिंग द्वारा अपॉइंटेड जो बिशप्स हैं उनको अब रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो पोप फ्रांसिस हैं जो बीजिंग बिशप्स अपॉइंट कर रहा है उनको वैटिकन सिटी रिकॉग्नाइज करेगा और इससे जो है दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं ये सुधरेंगे। सो अगर हम बात करें बैकग्राउंड में तो देखें तो चाइना के अंदर लगभग 12 मिलियन कैथोलिक्स हैं। कितने हैं? 12 मिलियन कैथोलिक्स हैं और ये दोनों डिवाइडेड हैं, एक तो है गवर्नमेंट रन एसोसिएशन और दूसरा है जो आपका वेटिकन से एसोसिएटेड है। तो चाइना उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता था लेकिन अब इसके साथ जो है उम्मीद है कि दोनों में जो है रिप्रोचमेंट होगा। तो वेटिकन और चाइना के बीच में जो है 1951 के बाद से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। और कब आया था चाइना, कब बना था, इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, लेकिन 1951 से ही दोनों देशों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर वेटिकन की बात करें तो ये देखिए मैप है, ये आपका इटली है। क्या क्या है, ये इटली है। ठीक है, ये इटली है और यहाँ पे छोटा सा जो है रोम है। सो रोम जो है इटली की कैपिटल है और रोम के विदिन ही क्या है आपका वेटिकन सिटी है। अगर मैं बात करूँ ये रोम के अंदर ही आपका वेटिकन सिटी है। ठीक है, ये वेटिकन सिटी रोम के अंदर है। सो ये एक जो है इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है जो कि रोम के अंदर है और ये जो है लैटरन ट्रीटी के साथ 1929 में वेटिकन सिटी की स्थापना हुई थी। और ये जो है वेटिकन सिटी ये दुनिया का सबसे छोटा एरिया वाइज और प्लस पॉपुलेशन वाइज दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तो एरिया इसकी कितनी है, मात्र 44 हेक्टर और पॉपुलेशन इसकी कितनी है, मात्र 1000। ठीक है, और इसकी करेंसी यूरो है और जो पोप फ्रांसिस जो है वो 266 नंबर के पोप हैं और उनका नाम है जोर्गे मारियो बर्गोलियो और ये अर्जेंटीना के हैं। किसके हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट इन रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू इंक्लूड खासी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खासी भाषा को शामिल करने के लिए हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेघालय। तो हमें पता है मेघालय में तीन चीजें हैं आपका, खासी, गारो और जयंतिया हिल्स। खासी, गारो और जयंतिया हिल्स, ये तीनों ट्राइब्स के नाम पे ही है। तो अभी जो है यानी कि फ्राइडे को जो है खास मेघालय की मंत्रिमंडल ने खासी और गारो लैंग्वेज को लेकर एक प्रपोजल या रेजोल्यूशन जो है पारित किया, प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत ये कहा गया है कि खासी और गारो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और ये जो खासी और गारो है ये दोनों ही उन 38 लैंग्वेजेस में शामिल हैं जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के लिस्ट में अंकित हैं जिनको कि 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किए जाने के डिमांड्स हैं। सो टोटल कितने हैं, ऐसे 38 लैंग्वेज हैं और 8वीं अनुसूची में कितने लैंग्वेज हैं टोटल, सो 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 22 लैंग्वेजेस हैं। कितने हैं, 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं और पेंडिंग कितने हैं, 38 भाषाएं। ठीक है, सो ये देखिए, सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यानी कि जो 8वीं अनुसूची से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में है। और ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 लैंग्वेज है, आपको ये अनुच्छेद भी याद रखने हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची किसमें मेंशन है, 344(1) और 351 में। 344(1) और 301 में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक 5 साल बाद एक समिति का गठन होगा और उसके बाद जो है हरेक 10 साल पे पार्लियामेंट एक कमेटी का गठन करेगा जिसमें 30 मेंबर होंगे और उसका एक चेयरमैन होगा और ये जो है एक्सप्लोर करेगा कि कैसे हिंदी लैंग्वेज को जो है प्रोग्रेसिव वे में बढ़ाया जाए। और इस कमेटी में जो है सारे लैंग्वेजेस के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव शामिल रहेंगे। सो ये मेंशन होता है 344(1) में। ठीक है, और 351 भी लगभग इसी के इर्द गिर्द है जो कि कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को जो है कैसे प्रमोट किया जाए। सो एसेंशियली अगर देखा जाए तो हिंदी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है तो ये दोनों ही उसके प्रमोशन और प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अब जो है आइए 22 लैंग्वेजेस में से देखते हैं कि कैसे मतलब कि एवोल्यूशन हुआ।
सो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के आठवीं अनुसूची में कितने लैंग्वेजेस शामिल थे? 14 लैंग्वेजेस शामिल थे। फिर 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी लैंग्वेज को 1967 में 15वें लैंग्वेज के रूप में इंक्लूड किया गया। उसके बाद 1992 में 71वें अमेंडमेंट एक्ट के साथ तीन लैंग्वेज को ऐड किया गया। सो आपका जो है 17वें नंबर की कोंकणी हो गई, 18वें नंबर की जो है मणिपुरी हो गई, और नेपाली जो है 19वें नंबर की हो गई। फिर उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी 92 जो है संविधान संशोधन अधिनियम आया 2004 में। सो इसमें जो है फिर से चार लैंग्वेजेस इंसर्ट किए गए। सो बोडो जो है ये जो है 19वें लैंग्वेज के रूप में आई, डोगरी जो है ये 20वें लैंग्वेज के रूप में आई, मैथिली जो है 21वें में, और संथली आपका 22वें लैंग्वेज के रूप में आई। और इसके बाद जो है दो कमिटीज़ के नाम भी आपको याद रखने हैं। सो 1996 में पाहवा कमेटी का गठन किया गया था, और 2003 में सीताकांत मोहपात्रा कमेटी का गठन किया गया था। और इन कमेटी का गठन इसलिए किया गया था कि ये आइडेंटिफाई करना कि हम क्या क्या क्राइटेरिया जो है ले डाउन कर सकते हैं अगर हमको ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना है तो। सो पहले तो ये है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो हैं ये जो है लैंग्वेज स्पीक करने चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल शुड स्पीक लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा क्राइटेरिया ये है कि केजी से लेकर पीएचडी तक तो है कोई अगर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जा रहा है तो वो पढ़ाई जानी चाहिए, दैट मीन्स कि वो एक मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए। सो खासी जो लैंग्वेज है उनके उनकी जो दलील ये है कि ये दोनों ही लेवल पे हम लोग जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसलिए खासी लैंग्वेज को 22वीं सूची में इंक्लूड किया जाना चाहिए। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हु वॉज द रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अनिल कुमार चौधरी। कौन? सो अनिल कुमार चौधरी को जो है इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया, और प्रकाश कुमार सिंह को ये जो है रिप्लेस करेंगे। किसको? प्रकाश कुमार सिंह को। संजीव रंजन को हमने देखा था हाल ही में दिल्ली मेट्रो का जो है अध्यक्ष ये किया गया था नियुक्त, और पीके रथ जो है इनको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, ठीक है। अब आइए जरा हम सेल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सेल जो है ये लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया है, प्लस इसको महारत्न स्टेटस जो है 2010 में दिया गया था, और महारत्न कंपनी जो है कितने हैं भारत में? टोटल 8 हैं। प्लस इसकी जो स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को हुई थी, और इसके 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। एक है आपका भिलाई में, दूसरा राउरकेला में, तीसरा दुर्गापुर में, चौथा बोकारो में, और पांचवा बनपुर आसनसोल में, ठीक है। ये 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है किसके? सेल के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यदि आपको देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलें, जिससे कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें आपको अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमारा छठा क्वेश्चन है, विच रीजन हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन। सो किस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति शराब की खपत सबसे अधिक है? और ये जो है सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि अभी जो है हाल में ही WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, और जिसमें ये कहा है कि भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पिछले 10 साल में डबल हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है? डबल हो गई है। तो यानी भारत में लोग दारू ज्यादा पीने लगे हैं, ठीक है। तो सवाल का जो जवाब है ये सही जवाब क्या है? बी, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन होता है, और दूसरे नंबर पे है वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। इस रीजन में जो है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन होता है प्रति आय के बेसिस पे। तो ये देखिए ऐसा रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने प्रस्तुत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तुत किया है, और आंकड़े हैं 2005 से 2016 के बीच के। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में 2005 में पर कैपिटा कंजम्पशन जो था ये 2.4 लीटर्स था, और 2016 में ये कितना हो गया है? 4.2 लीटर्स, जिसमें से
1.5 लीटर जो है औरतें कंज्यूम करती हैं। औरतें कितना कंज्यूम करती हैं? 1.5 लीटर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, 2.4 लीटर 2005 में था और 5.7 लीटर जो है ये 2016 में था। 4.2 लीटर जो है आपका मेन कंज्यूम कर रहे हैं, 1.5 लीटर वुमेन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर ऐसे रख देता हूँ, 2005 में आपका है कितना 2.4 लीटर और 2016 में है 5.7 लीटर। अब इसमें दो का डिवीजन है, मेन और विमेन। सो विमेन मेन का है 4.2 लीटर और विमेन का है 1.5 लीटर कंजम्पशन, ठीक है, ये है ओके। इसके बाद जो है WHO ये कह रहा है कि ये जो इंक्रीज है पर कैपिटा कंजम्पशन में ये 2025 तक आधे होने की उम्मीद है, ठीक है, और ये दोनों मैंने बता ही दिया है आपको ऑप्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सातवें नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक एनर्जी कैलकुलेटर ऑपरेशनल। सो ऊर्जा कैलकुलेटर परिचालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने जो है एनर्जी कैलकुलेटर को जो है क्या किया है, ऑपरेशनल किया है। तो एनर्जी कैलकुलेटर से ये होगा कि किसी भी राज्य को जो है वो अपने एनर्जी के लेवल पे यानी ऊर्जा के लेवल पे अपने आप को बेटर मैनेज कर पाएगी, किस हिसाब से, कि वो ये देख पाएगी कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी कंजम्पशन का टोटल एनर्जी जो सप्लाई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे जो है वो बेटर मैनेजमेंट एनर्जी कैलकुलेटर के थ्रू कर पाएगी। और ये हमने सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि अभी जो है हाल में ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र जो है इस महीने के अंत तक अपना जो है एनर्जी कैलकुलेटर अनवील करके भारत का सेकेंड ऐसा राज्य बन जाएगा जिसका जो है एनर्जी कैलकुलेटर ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टेट पावर रिक्वायरमेंट को एनेबल करेगा और इसका नाम है MHSEC 2015। क्या नाम है एनर्जी कैलकुलेटर का? MHSEC 2015। और ये एक वेब एनेबल्ड टूल है और ये जो है सारे एरियाज को लगभग कवर करेगा और जो है वहाँ पे एनर्जी डिमांड और सप्लाई जो राज्य भर में है वहाँ पे कैसा है उसके इम्पैक्ट के बेसिस पे जो है मैनेजमेंट करेगा। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के IESS 2047 पे बेस्ड है जो कि नीति आयोग का ब्रेन चाइल्ड है। और ये जो है नीति आयोग ने कॉमनवेल्थ ऑफिस ऑफ UK के साथ मिलके जो है IESS 2047 बनाया है, ठीक है। अब आइए जरा महाराष्ट्र के बारे में देखें, पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कितना है। सो जो स्टेट का पर कैपिटा कंजम्पशन है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। 2015 की अगर हम बात करें तो स्टेट में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी, 962.2 यूनिट्स, और पूरे नेशनल की एवरेज कितनी है, 652.5 यूनिट्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टू रोबोटिक रोवर्स रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन सरफेस ऑफ एन एस्टेरॉयड। तो हाल ही में किस देश के दो रोबोट रोवर एक क्षुद्र ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाले दुनिया के पहले रोवर बने? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है जापान। सो जापान ने जो है हायाबुसा 2 सैटेलाइट जो है ये भेजा था और उस पर जो है रोवर जो है उसमें रोवर थे, ये जो है रोवर को लेके गया था और इसने जो है रुयुगु एस्टेरॉयड पे जो है इन दोनों को लैंड कराया अभी हाल ही में। सो एस्टेरॉयड का नाम क्या है, रुयुगु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो ये देखिए सितंबर 21 को जो है हायाबुसा में जो मतलब कि लगा हुआ रोवर था जो कि मतलब लैंड किया है उसका नाम है मिनेरवा 21। क्या नाम है, मिनेरवा 21, ठीक है, ये जो है आपका नाम है इसका, क्या नाम है, माइक्रो नैनो एक्सपेरिमेंटल रोबोट व्हीकल फॉर एस्टेरॉयड द सेकेंड जनरेशन, ठीक है। क्या नाम है, माइक्रो नैनो एक्सपेरिमेंटल रोबोट व्हीकल फॉर एस्टेरॉयड द सेकेंड जनरेशन। और ये जो है इस सितंबर 21 को हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ था और इसमें जो है दो रोवर थे मिनेरवा के अंदर,
पहला रोवर 1A और दूसरा रोवर 1B। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफिक इमेज है जो कि जापान की स्पेस एजेंसी, क्या नाम है, जापान की स्पेस एजेंसी का जाक्सा, तो जाक्सा ने ये इमेज रिलीज किया है, ठीक है। और इसके साथ ही ये दोनों विश्व के सबसे पहले ऐसे रोवर हैं जो कि किसी एस्ट्रॉयड पे लैंड किए हैं, और एस्ट्रॉयड का नाम क्या है, रुयुगु। और इसके बाद जो है एक और रोवर जो है जो इसमें मतलब कि हायाबुसा के अबोर्ड है, जिसका नाम है मास्कट। सो मास्कट जो है अक्टूबर 2018 को रुयुगु पे लैंड करेगा, और फिर उसके बाद जो है हायाबुसा धरती पर वापस आ जाएगा वहां से सैंपल्स इकट्ठे करके, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नौवे क्वेश्चन की ओर। हमारा नवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ग्रीवांस ऑफिसर फॉर इंडिया अपॉइंटेड बाय व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप द्वारा नियुक्त भारत के लिए शिकायत अधिकारी का नाम क्या है। सो व्हाट्सएप ने जो है आईटी मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि व्हाट्सएप के थ्रू जो फेक न्यूज वायरल हो रही है और उससे जो मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, इस पे जो है रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप को ये निर्देश दिए गए थे। व्हाट्सएप ने जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और अब जाके जो है भारत के लिए पहला ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया जो है नियुक्त किया है, तो आपको जो है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है, उनका नाम है कोमल लहिरी। सो मिस कोमल लहिरी जो है ये व्हाट्सएप द्वारा अपॉइंटेड भारत की पहली शिकायत अधिकारी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन पे। हमारा दसवां क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व। सो अंतर्राष्ट्रीय भाषा चिन्ह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, सितंबर 23 को, और ये जो है इस डे को दिसंबर 2017 में यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये कहा कि 23 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाएगा, जो कि तो जो कि डेफ पर्सन यानी कि बहरे लोग हैं उनको एड्रेस करता है। तो पूरी दुनिया में लगभग 72 मिलियन जो है बहरे लोग हैं, तो ये उनको एड्रेस करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और हम इसका आंसर कल बताएंगे। तो हमारा पहला है, हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को राष्ट्र के पिता का खिताब किसने दिया। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया। ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 यानी कि गैर सहकार आंदोलन 1920। बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 यानी कि सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930। सी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और डी खेड़ा सत्याग्रह 1917। तो दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हम इसके आंसर जो है कल बताएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड यस डू नॉट मिस आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एंड विल बी बैक अगेन टुमारो एट 6 PM। सब्सक्राइब नाउ, थैंक यू।